बेगूसराय पुलिस ने मंझौल बाजार में हुए कुल 12 दुकानों में एक साथ चोरी की घटना का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि 30 जनवरी को मंझौल ओपी अंतर्गत मंझौल बखरी रोड स्थित कुल 12 दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 42,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में चरिया बरियारपुर थाना में कांड दर्ज किया था। इस संबंध में घटना के उद्भेदन में संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर सत्येंद्र कुमार सिंह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंझौल ओपी अध्यक्ष तथा सशस्त्र बल का एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया था। छापेमारी दल के द्वारा घटनास्थल से एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर उक्त कांड में शामिल अपराधी को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मंझौल ओपी क्षेत्र के रविदास टोला के रहने वाले नरेश राम के पुत्र राजकुमार राज के रूप में की गई है, जिसके पास से पुलिस ने 1981 रुपया नगद सहित खंती और अन्य सामान बरामद किया है। बताते चले कि इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने कई घंटे तक मुख्य सड़क को जाम कर हो हंगामा मचाया था। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। मझौल बाजार में एक घटना हुई थी जिसमें 12 दुकानों में एक साथ एक ही रात को ताला तोड़ के चोरी की घटना रिपोर्ट हुई थी। मामले की गंभीरता को लेते हुए एसटीपीओ मझौल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर मझौल और एसएचओ मझौल थे। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी। इस टीम ने कई सारे सीसीटीवी फुटेज को वहां पे खंगाला और फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति की पहचान हुई थी, जिसने कुछ अजीब रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद ये टीम अपना लगातार काम कर रही थी। कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो चोर था राजकुमार राज, उसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से वो कपड़े जो इसने चोरी के दिन पहने थे और वो लोहे की खंती जिससे इसने 12 दुकानों का ताला तोड़ने में इस्तेमाल किया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। चोरी की गई राशि में से लगभग 2000 रुपया भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और इसके टी शर्ट जो था जिसपे खास कलर का एक सिंबल था और इसके जूते और पैंट वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और 2 मोबाइल फोन जो इसने घटना के समय इस्तेमाल किए थे उनको भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो हमारी टीम ने यह बड़ा ही अच्छा काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इस चोर की गिरफ्तारी से जो उस क्षेत्र में और सारी घटनाएं हो सकती थी उस पर अंकुश लग गया है और हमारी टीम ने यह बड़ा अच्छा काम किया है। इस प्रकार से चोरी होना को घटना को हम लोग ने बड़ा सीरियसली लिया है, तो मैं अपनी टीम को अपने तौर पर पुरस्कृत करूंगा और वरीय अधिकारियों को भी अनुशंसा करूंगा। देखिए अभी पूछताछ में जो बात आई है इसने अपना ही रोल स्वीकार किया है, लेकिन हमारा अनुसंधान जारी है। जो इसके पास से मोबाइल फोन वगैरह मिला है उसकी भी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि कहीं इसके साथ में और लोग तो शामिल नहीं थे। उस मामले पर अनुसंधान चल रहा है। सर आज शराब भारी मात्रा में शराब बरामद भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। गुप्त रूप से हम लोग को सूचना मिली थी, टाउन थाना ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक ट्रक है जिसपे जो कि सुधा दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर 931 लीटर शराब बरामद हुई है। 2 व्यक्ति जो ट्रक के सामने चल रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, एक का नाम अमन है और एक का नाम दानिश है। गाड़ी किसकी थी, गाड़ी कहाँ जा रही थी, इसका मालिक कौन था, इस मामले में छानबीन की जा रही है। जल्द ही इसमें जो बाकी के लोग हैं बैकवर्ड सोर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने टाउन थाना और एसटीपीओ को आदेश दिया है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में जितने भी लोग इस्तेमाल हैं सब पे अनुसंधान करके जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। कहां से ये बरामद हुआ है सर? ये टाउन थाना क्षेत्र से ही ये जो गाड़ी है उसको पकड़ा गया है। धन्यवाद।